नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरावती सिटी न्यूज। दोस्तों, शिव महापुराण कथा में सेठिया दंपत्ति को गणगौर का सम्मान मिला। दिनेश सेठिया और उनकी पत्नी सौ मयूरी सेठिया शिव महापुराण कथा के मंच पर गणगौर की वेशभूषा में उपस्थित हुए। बचपन से ही श्री महाकाल के कट्टर भक्त दिनेश सेठिया और उनकी पत्नी मयूरी को लगातार तीसरी बार शिव पार्वती की वेशभूषा धारण करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके पहले वर्ष 2014 में महाजनवाड़ी में सेठिया परिवार द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा में सेठिया दंपत्ति ने शिव पार्वती की वेशभूषा धारण की थी। इसके बाद वर्ष 2022 में भक्तिधाम में हुए धार्मिक समारोह में भी सेठिया दंपत्ति ने शिव पार्वती की वेशभूषा की थी। दोस्तों, हनुमानगढ़ी पर शनिवार 16 दिसंबर को शुरू हुई शिव महापुराण कथा में शर्मा दंपत्ति को गणगौर के रूप में मंच पर जाना था, लेकिन समय पर शर्मा दंपत्ति अनुपस्थित रहे, जिससे लगभग 3 दंपतियों को इस वेशभूषा के लिए विचार किया गया। लेकिन खुद पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने सेठिया दंपत्ति के लिए अपनी हरी झंडी दी। उनके निकटवर्ती जोशी ने केवल 1.5 घंटे पहले सूचित किया कि मंच पर गणगौर की वेशभूषा में जाना है, जिससे परिवार को भी इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण परिवार का कोई भी सदस्य भी इस सुनहरे अवसर का सहभागी नहीं हो पाया। इस तरह अचानक ही सेठिया दंपत्ति को यह सम्मान मिला। दिनेश सेठिया के अनुसार यह श्री महाकाल और भोलेनाथ की कृपा रही। चलो तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अमरावती सिटी न्यूज़।